सो हाय गाइस, सुबह का टाइम है और यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है. कॉफ़ी, ब्रेड एंड बन. और कॉफ़ी हो उधर, देखो पीछे कोई दिखाई देगा, ब्रेड हो और टिंगो ना आए वो रहा. देखो टिंगो को देनी नहीं है, इसलिए टिंगो को दूर किया जा रहा है. बाकी दूसरी ब्रेड उसको दे दी गई है, कि यहाँ पे मेरी ब्रेड रखी है. सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक इन आर न्यू ब्लॉग टुडे. एंड आई होप आप सभी लोग अपने घर में बिल्कुल सेफ होंगे और बिल्कुल अच्छे होंगे. सो हमारी दिन की शुरुआत हुई है कुछ इस तरीके से. मैं उठी थी आज 8 बजे. 8 बजे उठने के बाद हम लोगों ने जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लिया था और ब्रेड लेने गए थे. ब्रेड लेके आके ब्रेकफास्ट कर लिया था. एंड अभी हम लोग आप लोग को दिखाएंगे कि हम लोग और आगे दिन में जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होगी. सो स्टे ट्यून्ड ऑन आवर चैनल. हमारे घर के बाहर ना रोड का कुछ काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से कुछ कपड़े कल मैंने धो के सुखाए थे और अभी जाके मैंने बाहर देखा है, सब पे मिट्टी मिट्टी मिट्टी. बहुत ही बुरी हालत है यार. ये ली है हमने एक नई कॉफ़ी, इसका नाम है चार वेद कॉफ़ी है ये, अर्थ टू फायर. अभी इसको हम ट्राई करेंगे. ये इसका है टाइप, आप देख सकते हैं. अभी मैं इसको बनाऊंगा. ये दो मल्टीग्रेन ब्रेड शाम को कॉफ़ी के साथ, इसमें अभी हम इसको बेक करके रखाएंगे. दूध उबल चुका है वहाँ पे पहले ही और ब्रेड सेक मना हो गया हूँ थोड़ा सा लेट, बट लाइट ही नहीं है. नो लाइट तो इसको क्या करेंगे, गैस पे सेकेंगे. अभी वापस आ जाओ. आपको पता क्या हुआ, टिंगू ने आज इतना भौंका दोपहर में, इतना भौंका, थोड़ी देर के बाद है ना सो ही गया वापस. उसको भी पता लग गया कि ये उठने वाले नहीं है और वापस सो गया बेचारा. उसको मैट के मैट से गया था, आया मेरे पास ऐसे, मैंने उसके ऐसे से हाथ फेर दिया, थोड़ी देर वापस जाके सो गया. मैट के सो हाय गाइस, शाम का टाइम हो चुका है, अभी 5 भी नहीं बजे हैं, 4:40. हम लोग 4 बजे से उठने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उठे हैं हम लोग जाके 4:40 पे. और आज पता नहीं चला, टिंगू भौंकता रहा लेकिन हम उठे नहीं, बेचारा वापस जाके सो गया. मैं उसी का डिस्कशन कर रहे थे. और यहाँ पे हमारी कॉफ़ी बन रही है अभी, ये आज मोनू स्पेशल कॉफ़ी है, ये आप भी देख सकते हैं. एंड यहाँ पर हमारे ब्रेड है, यहाँ पे हमारे 2 ब्रेड हैं, यहाँ हमारी कॉफ़ी बन रही है और अभी ये कॉफ़ी हम लोग यूज़ कर रहे हैं. बहुत टेस्टी कॉफ़ी है जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं. और अंदर से लेंगे केले के चिप्स और अभी देखना जैसे हम अंदर जाएंगे कैसे रोमियो और टिंगो अटैक करेंगे हमारे ऊपर. अगर इस कमरे से बाहर पैर रखते हैं इस लाइन के इधर तो गर्मी, इधर रखते हैं तो सर्दी, तो सर्दी. ये देखो सर्दी का मज़ा लेते हुए. हाँ कॉफ़ी आ रही है, वो देखो कॉफ़ी के नाम से कॉफ़ी आ रही है, कॉफ़ी आ रही है, कॉफ़ी आ रही है. सॉरी टिंगू, तेरा मैट नहीं मिला. सो आई थिंक आप लोगों ने भी चीज़ एक्सपीरियंस की होगी कि आजकल बहुत 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 गर्मी हो रखी है.
हम लोग भी जस्ट अभी अभी उठे थे, उठ के अभी हम लोग कॉफ़ी पियेंगे और कॉफ़ी पीने के बाद थोड़ा सा काम है, फिर उसके बाद जाएंगे रोमियो टिंगो को रनिंग कराने के लिए। एंड आई जस्ट होप कि हमारे पिछले कुछ दिनों के जो वेडिंग व्लॉग्स हैं वो आप लोगों को बहुत बहुत पसंद आए होंगे। मैंने इंस्टाग्राम पे उनसे रिलेटेड फ़ोटोज़ भी पोस्ट की हैं, इफ़ समवन इज़ इंटरेस्टेड तो वो मेरे इंस्टाग्राम पे जाके वो फ़ोटोज़ देख सकते हैं। और अभी तो सबसे पहले मेरी कॉफ़ी आ गई है, मेरे से पहले रोमियो टिंगो भी तैयार है, तो मैं पहले से जाके अपनी कॉफ़ी पी लेती हूँ, एक बार थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाती हूँ क्योंकि अभी मैं खुद एकदम नींद नींद में हूँ। फिर आप लोग से मिलते हैं थोड़ी ही देर में। चलो भाई रास्ता दो, साइड 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 साइड, आपने मुझे बोला ना इस तरफ आ जाइए, देखो टिंगो उससे पहले ये आ गया। अरे मुझे जाने दो यार, मैं इनसे छुप के ना यहाँ बैठना पड़ता है बेड के ऊपर। रोमियो ने जैसे ही केले का चिप्स देखा, इसका मुंह पानी पानी हो गया है, मुंह पानी पानी हो गया। टिंगू ने चिप्स जैसे देखा, इसका मुंह पानी हो गया। हाँ, जो बादशाह का नया गाना है उसकी हमने कॉपी बना ली है अपने, उसके वर्ड चुरा के रोमियो टिंगो को पानी पानी कर दिया हमने। असल में जब भी हम खाने बैठते हैं तो इनको दे देते हैं, लेकिन इनके मुंह से फिर भी पानी निकलता रहता है, और इस चीज़ का पता नहीं क्या इलाज है। हाँ, टिंगो के तो खैर नहीं निकलता, टिंगो का नाम बदनाम नहीं करेंगे। ये है हमारा रोमियो द ग्रेट, ये गड़बड़ करता है हमेशा। आज हमने नई चीज़ ट्राई की है, ये है सत्तू का आटा, और सत्तू के आटे से हमने बनाया ये चिल्ला, मतलब तो सत्तू के आटे की रोटी बनती है। लेकिन एक नया एक्सपेरिमेंट है जो कि सक्सेसफुल रहा है, एक पीस मैं खा चुका हूँ इसका, ये दूसरा पीस बन रहा है। पहला पीस इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि वो टूट गया था, बस मैं खा गया था उसको, टूटा है इसीलिए ना इसको, हाँ इसीलिए इसको है ना छोटा बनाया ताकि ज़्यादा पीसेस ना हो इसके। और ये काफ़ी हेल्दी होता है, सबको पता है सत्तू ठंडा भी होता है गर्मी में खाने के लिए, और हेल्दी भी होता है। तो अभी हम इसको खाएंगे, दो तो मैं खा चुका हूँ, अब ये मेरा तीसरा है, इसको खा के हम अपनी थोड़ी सी हेल्थ इंप्रूव करेंगे। ये चिल्ला चुका है अपनी प्लेट में, ये 400 उसके पैकेट में खा चुका हूँ आज, काफ़ी टेस्टी लगी थी। और ये थोड़ी सी बची है, खत्म कर रहा हूँ। मैंगोज लोगे? नो मैंगोज, नो मैंगो मैं खाता नहीं हूँ, एक बार खत्म कर दूँ।